अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मटन लेग रोस्ट। और इसको इसको बनाने का तरीका तो बहुत ही आसान है, जो कि मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगी। और ये देखिए कितनी सॉफ्ट और कितनी टेंडर बनती है, इतनी मज़ेदार बनती है, और जैसे ही हम इसको खाते हैं मुँह में बस खुली जाती है। और टेस्ट में ये बहुत ही मज़ेदार है, कहीं से भी फीकी नहीं है, ये अंदर तक इसके मैरिनेशन जाएगी, फ्लेवर जाएगा। और ये देखें कैसी इसकी बोन्स अलग हो रही हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे मैरिनेशन। मैरिनेशन के लिए मैंने लिया है 2 कप दही, फुल फैट योगर्ट। इसमें पानी मैंने बिल्कुल सारा निकाल दिया है, पानी के बगैर ये दही है। तो इसमें मैं मिलाऊंगी सॉल्ट 2 टेबलस्पून, 2 खाने के चम्मच सॉल्ट इसमें मैंने मिलाया, और 2 खाने के चम्मच ही रेड चिल्ली पाउडर, गरम मसाला 2 खाने के चम्मच, धनिया पाउडर 3 टेबल स्पून्स, और ज़ीरा पाउडर भी 3 टेबल स्पून्स। अच्छा, ये मैंने ना पहले सारे स्पाइसेस पीस लिए थे फ्राई करके, हल्के से ड्राई फ्राई करके, तो ये पीस लिए थे, मैंने पीस के पहले से रखे होते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको सबको पहले हल्का सा फ्राई करें, उसके ऊपर भून लें अपने तवे के ऊपर या फिर किसी पैन में, और फिर बाद में इसको आप पीस लें, फिर आपने इसमें ये ऐड करने हैं। और ये मेरे पास है जिंजर अदरक का पेस्ट 5 टेबल स्पून्स, और ये 5 टेबल स्पून ही मेरे पास है गार्लिक पेस्ट। ये क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि मेरी जो रान है, जो मटन लेग है, वो काफ़ी बड़ी है, वो 3.5 किलो की तकरीबन है, 3.5-4 किलो की। और ये है मेरे पास अब सिरका, 1/2 कप मैंने इसमें सिरका डाल रही हूँ। आप जो है लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। और सबसे एंड में मैं इसमें फूड कलर ऐड कर रही हूँ। ये मेरे पास ऑरेंज फूड कलर है, वो ही सेम जो हम बिरयानी वगैरह में डालते हैं। इससे ये कि कलर बड़ा अच्छा सा आ जाएगा आपका, सेम ऐसे जैसे बाज़ार वाली आपको मिलती है रोस्टेड लेग, सेम वैसा ही इस पर फिर ये कि कलर आएगा। अब ये देखिए ज़रा इसका कलर कितना अच्छा, और सेकेंडली इसमें हर चीज़ मैरिनेशन में हमारी बिल्कुल रेडी है। अगर आप इसको ज़्यादा स्पाइसी करना चाहते हैं तो आप इसमें और भी मिर्चें डाल सकते हैं, नमक भी आप अपनी मर्ज़ी से और ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये तकरीबन 3.5 से 4 किलो के हिसाब से आपको बताई हैं, और इसमें ये परफेक्ट रहेगा चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं। ये मेरे पास एक पूरी लेग है लैम की, और ये देखें आप काफ़ी हैवी है और मुझसे उठाई भी नहीं जा रही, इसकी थिकनेस दोनों साइडों से मैं आपको दिखा देती। अच्छा, इसमें मैंने क्या किया है कि सबसे पहले आप लोगों ने क्या कर लेना है, अपने कसाई को कहना है या ख़ुद कर लेना है, यहाँ पे इसका एक जोड़ होता है, ठीक है, लेग में ये शीन है, शीन के पास यहाँ पे एक जोड़ होता है, वहाँ से आपने इसको कट लगवा लेना है अगर आपके पास बड़ा बर्तन इतना नहीं है जैसे मेरे पास नहीं है, ताकि ये यूँ हमारी मुरझाए और हम इसको जो है इस तरह हम कुक करेंगे, ठीक है। तो आपने इसको यहाँ पर इस तरह यूँ एक स्लिट लगवा लेना, यहाँ पर एक इसका ना जोड़ होता है, वहाँ से आपने इसको कट करवा लेना है। सबसे पहले तो मैंने ये की फोक लिया, इसके साथ मैं गहरे गहरे से अंदर तक जो है इस तरह इसको मैं सारे प्रिक कर लूँगी, इसको फोक के साथ जितना गहरा होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा है, ताकि हमारी मैरिनेशन अंदर अंदर तक जाए, ठीक है। इस तरह मैं ये सारे के ऊपर कर रही हूँ। अब क्या करना है, हमने एक तेज़ सा नाइफ़ लेना है इस तरह, और हमने इसके ऊपर अब स्लिट लगाने हैं, ठीक है। थोड़े थोड़े फासले के ऊपर हम इसको इस तरह से स्लिट लगाएंगे। स्लिट लगाने का मकसद सिर्फ यही है ताकि हमारा अंदर तक जो है इसका मसाला चला जाए। गहरे गहरे से आपने स्लिट लगाने हैं। ये देखें हमारी लेग जो है वो प्रिपेयर हो गई है, इसमें स्लिट्स लगा दिए, फोक के साथ हमने इसमें प्रिक भी कर दिया है, सब कुछ कर दिया है, अब इट इज़ रेडी फॉर मैरिनेशन। चलिए जी मैरिनेट करते हैं। सारी मैरिनेशन मैं इसके ऊपर ऐसे डाल दूंगी, और फिर हम इसको हाथ के साथ अच्छे तरीके से रब करेंगे, और अपने जितने भी मैंने इसके अंदर ये कट लगाए हैं, स्लिट्स लगाए हैं, और जहाँ जहाँ से मैंने फोक के साथ भी पिक किया, हर जगह पे इसको हम मैरिनेशन को लगाएंगे। और तब तक आप जाके मेरे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी लाइक करें जब तक मैं ये मैरिनेट कर रही हूँ। ये देखें जी, मैंने सारी मैरिनेशन जो है, मेरे पास पहले वाली ट्रे छोटी पड़ गई थी, तो मैंने इसको उसी
कढ़ाई में डाल दिया जिसमें मैंने इसको कुक करना है, उसी में फिर मैंने अब क्या किया है कि इसमें मैरिनेशन जो है मैंने सारी ऐड करके कुछ उसमें डिप करके मैंने रख दी है। इसको हम मैरिनेट करेंगे कम से कम 8 घंटे, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम इसको 24 आवर्स, 24 घंटे, पूरा एक दिन हम इसको मैरिनेट कर सकते हैं, फ्रिज में रखेंगे। मैंने आपने देखा कि मैंने इसमें कोई भी मीट टेंडराइज़र या कच्चा पपीता वगैरह ऐसा कुछ ऐड नहीं किया, उसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इसमें काफ़ी ज़्यादा सिरका और योगर्ट ऐड कर दिया जो कि नेचुरल मीट टेंडराइज़र है। इसको गलाने में बहुत हेल्प करेगा और बहुत ही हमारी सॉफ्ट सी लेग बनेगी, ठीक है। और मैं इसको फ्रिज में रख रही हूँ। आपने जिस पॉट में इसको कुक करना है लैम लेग को, उसमें मैं 1/2 कप ऑयल डाल रही हूँ। जैसे ही ऑयल गर्म होता है तो इसमें फ़ौरन ही हमने अपने लेग डाल दी, जो कि वेरी हार्ड टू पुट इन। हमने सिर्फ लेग डालनी है, ये मैरिनेशन जो बची हुई है वो हमने बाद में ऐड करनी है जैसे हमारी लेग जो है वो फ्राई हो जाएगी। फाइव मिनट्स के लिए हमने इसको हर साइड से जो है वो फ्राई करना है। ऑलमोस्ट इसको टोटल जो है वो 10 से 15 मिनट्स लगेंगे फ्राई होने के लिए। ये देखिए मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है, इसका कितना खूबसूरत कलर आया है ऊपर ना। फ्राई करने का इसका यही एक मकसद है कि इसके जूसेस वगैरह सील हो जाएं और इसकी एक अच्छी सी शक्ल निकल आए। लेग जो है वो फ्राई हो गई। अब मैं क्या करूँगी, नेक्स्ट स्टेप इसका ये है कि इसकी मैं हीट मैंने मीडियम से भी मैंने लो कर दी है, काफ़ी लोग आपने कर देंगे, ठीक है। और जो बाकी ये मेरी मैरिनेशन थी जो बची हुई थी वो मैं वापस डाल के इसके ऊपर ऐसे, और साथ ही अब हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है। वैसे पानी की ज़रूरत नहीं होगी अगर आपकी मैरिनेशन में इतना लिक्विड है तो। अगर आपकी मैरिनेशन बिल्कुल भी नहीं बची लाइक के हिसाब से है ना, तो फिर आपको थोड़ा सा बीच में 1 गिलास या 2 गिलास पानी ऐड करने पड़ेंगे एडजस्ट करने के लिए। मैं अभी पानी नहीं ऐड कर रही, मैं अभी ऐसे ही ना इसको ढक के अब मैंने इसको रख देना है, और 2 आवर्स के लिए फिर मैंने इसको छेड़ना नहीं है, ठीक है। अब ये 2 घंटे गुजर गए हैं, 2 घंटे के बाद मैं इसको खोल के इसकी साइड चेंज करूँगी। ये देखें इसने कितना ज़्यादा पानी भी छोड़ दिया, ठीक है। और इसमें मैंने अभी पानी नहीं ऐड किया था। अब मैं इसकी साइड चेंज करती हूँ, फिर हम इसको 2 घंटे के लिए और कुक करेंगे। लो हीट पे हम इसको 2 आवर्स के लिए साइड चेंज करके दोबारा वैसे कवर करके कुक करेंगे। प्लीज़ आप जाएँ और मेरे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ढेर सारा शेयर करें। जी अब हमारी ये जो लेग है ऑलमोस्ट 4 आवर कुक हुई है और ये डन है। अब आप देखें इसके साइड पे थोड़ी सी ग्रेवी है, ग्रेवी को आप चाहें तो आप ड्राई भी कर सकते हैं और चाहें तो एज अ सॉस भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। मैं इसको ड्राई नहीं करी, मैं इसको एज अ सॉस सर्व करूँगी, इसलिए मैं इसको अपने सॉस वाले जो मेरा पॉट है उसमें मैं इसको निकाल रही हूँ। और मेरी ये लैम्ब बहुत ही टेंडर बनी है, बहुत ही सॉफ्ट बनी है, और एंड पे जो स्टेप है वो है मैं इसको कॉल देना, स्मोक देना, जो कि हमने एक गरम गरम कोयला रख के और उसके ऊपर ऑयल डाल के इसको ढक के 5 मिनट के लिए रखना है, और हमारे ये स्मोकी फ्लेवर भी इसके अंदर आ जाएगा और हमारी परफेक्ट ये रोस्टेड लैम बनेगी और ये बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो हम इसको सर्व करते हैं ऐसे, और बहुत ही एहतियात से आपने अपनी इसकी सर्विंग डिश में इसको ट्रांसफ़र करना है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। ये देखें लाइक कैसे टूट रही है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा। टेक केयर, बाय।